रियाज भट्टो साहब का कहना है, मैं जब पूरा बजट लिस्ट करके मैं मेयर साहब के पास लेके गया, मेयर साहब जो है मेरे को 60 लाख रुपए डाले तो मैं इसको अप्रूवल देता हूँ, नहीं तो नहीं दे सकता बोल के ये रियाज भट्टो साहब बोले मेरे को, मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपको मैं तुम्हें देता हूँ। मेयर साहब 60 लाख रुपए डाल लेते, रियाज भट्टो 40 लाख डाल लेते, एक्स मेयर अहमद साहब को 25 लाख डालते, गोला साहब को 25 लाख डालते, वार्ड नंबर 16 को सिर्फ 10 लाख रुपए दिया गया है। ये 15 फाइनेंस का फाइल अगर सेंक्शन भी हो गया, अगर इंशाल्लाह आएगा, मैं हाईकोर्ट को जाकर स्टे लाने के लिए मैं जा रहा हूँ। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. आज सोशल मीडिया में आने का मकसद जो है गुलबर्गा के महानगर पालिका के इश्यूज, आज जो एसएफसी का जो इश्यू है, 17 तारीख को एसएफसी का जो वर्क ऑर्डर जो है डीसी ऑफिस से सेंक्शन होके आया है, जो एसएफसी में जो बजट डाला गया है उसके अंदर हमारे रियाज अहमद साहब जो है उन्होंने और मेयर साहब बैठ के एक प्लान करके हर वार्ड को जितना बजट देना है वो प्लानिंग से काम वहां पे नहीं हुआ है। आज उसके खिलाफ मैं आपके बीच सोशल मीडिया में आज आया हूं। आज एसएफसी में मेयर साहब को लेके, चेयरमैन को लेके, कई एक्स मेयर को लेके, कई सीनियर कॉर्पोरेटर्स को लेके दिल में आया जैसा बजट उन्होंने अपने वार्डों में डाल लिया। मेरा ऑब्जेक्शन एक ही है, गुलबर्गा महानगर पालिका के अंदर जो महानगर सदस्य जो रहते हैं, 55 कॉर्पोरेटर जो रहते हैं, आज 55 कॉर्पोरेटर को एक ही रेस्पेक्ट है महानगर पालिका के अंदर, वहां पे सीनियर जूनियर वहां पे काउंट नहीं होता। आज ये एसएफसी के अंदर वार्ड नंबर 16 को इसमें से डिलीट कर चुके हैं। आज वार्ड नंबर 16 मेरे वालदा कारपेंटर है, कई सालों से मैं वार्ड नंबर 16 के अंदर आवाम की खिदमत करने के लिए आज कमिश्नर को, डिप्टी मेयर को मैं कई बार लेटर दे चुका हूं कि मेरे वार्ड में ये काम है, ड्रेन का काम है, सीसी रोड का काम है, पाइपलाइन का काम है। आज भी मेरे पास पूरे लेटर्स रिश्यू कॉपी मेरे पास फाइल के अंदर है। आज वार्ड नंबर 16 के आवाम के साथ और वार्ड नंबर के कारपेंटर के साथ यहाँ पे सियासत करने के लिए आज जो चेयरमैन होंगे, मेयर होंगे, इन्होंने पर्सनली लेके हमारे को कहीं ना कहीं वार्ड नंबर आवाम के नजरों में आज मेरे को और मेरे वालदा को कहीं ना कहीं नजर में गिराने का काम गुलबर्गा महानगर का मेयर और जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो रियाज अहमद साहब है ये लोग कर रहे हैं, उनके सीधा यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। मैं कल कॉर्पोरेशन ऑफिस जाके रियाज अहमद साहब को, भट्टो साहब को मिला था, मैं उनको मैं मिलके पूछा हूं एसएफसी में आप लोग वार्ड नंबर 16 को कट करे, 15 फाइनेंस के अंदर जो नया एक्शन प्लान बना के जो डीसी मैडम को अप्रूवल के लिए जो भेजे है उसमें एसएफसी में भी ऑलरेडी कॉर्पोरेटर उसमें फंड डाल लिए, 15 फाइनेंस के अंदर मेयर साहब 60 लाख रुपए डाल लेते, रियाज भट्टो 40 लाख डाल लेते, एक्स मेयर अहमद साहब को 25 लाख डालते, गोला साहब को 25 लाख डालते, ये जो फिगर जो डाल रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं, ये आपके घर से बजट नहीं दे रहे, मैं पूछना चाहता हूं, ये गुलबर्गे के सिटीजन का पैसा है। आज गुलबर्गे के आवाम टैक्स बरते जो कॉर्पोरेशन को वो टैक्स का पैसा ये जमा करे सो पैसा है। यहाँ पे दिल में आए जैसा आप मनमानी करेंगे तो यहाँ पे नहीं चलता। कितना बजट दिया गया है आपको? वार्ड नंबर 16 को सिर्फ 10 लाख रुपए दिया गया है, सिर्फ 10 लाख। हर वार्ड को कितना कितना सेंक्शन हुआ है बजट? हर वार्ड को 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 60 लाख।
आप पूछे रियाज भट्ट को जो चेयरमैन बन के जो चैम्बर में बैठे ना, आज मैं रियाज भट्ट को बोलना चाहता हूँ, हम जेडीएस सपोर्ट करने के बाद में तुम चैम्बर में बैठ के आज वहाँ पे हुकूमत चला रहे। आप वजह नहीं पूछे कि आपके वार्ड को इतना कम। मैं रियाज भट्ट को साहब को वजह पूछा, क्या वजह है क्यों वार्ड नंबर 16 को तुम ना इंसाफ कर इंसाफ नहीं दे रहे? उन्होंने बोलते है मेरे को रेड्डी साहब मेरे को प्रेशर है, मैं साउथ एमएलए का सुनना पड़ता, नॉर्थ एमएलए का सुनना पड़ता, और कई दोस्त रहते कई लीडर रहते उनका सुनना पड़ता बोल के रियाज भट्ट को साहब का कहना है। रियाज भट्ट को साहब को एक बात बोला हूँ, ये बात बोलने के बाद ये जो तुम उनका सुनना इनका सुनना यहाँ पे नहीं चलता, आवाम का सुनना बहुत जरूरी है, आवाम का डेवलपमेंट सुनना बहुत जरूरी है। हर एक कारपोरेटर को इंसाफ देना आपके हाथ में है और मेयर साहब के हाथ में है, कमिश्नर साहब के हाथ में है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज वार्ड नंबर 16 के अंदर एक भी डेवलपमेंट काम नहीं हुआ है। मैं कई वार्ड नंबर 16 के आवाम को तसल्ली देते हुए आ रहा हूं, झूठी तसल्ली, ये लोग ऐसा काम करने के वजह आज 15 फाइनेंस के अंदर जो 9 साहब के हो गए हैं, कमिश्नर साहब उसके जिम्मेदार, मेयर साहब और रियाज भट्ट को इसके जिम्मेदार है। ये 15 फाइनेंस का फाइल अगर सेंक्शन भी हो गया, अगर इंशाल्लाह आएगा, मैं हाईकोर्ट को जाके स्टे लाने के लिए मैं जा रहा हूं। आज मैं बोलना चाहता हूं, दिल में आए जैसा डाले यहाँ पे विद डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता रहा हूं, विद डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखो। पहले वार्ड नंबर 4 रियाज भट्ट को साहब 40 लाख रुपए डाले 15 फाइनेंस में, क्यों होना जिनको पैसा इतना? दूसरे कारपोरेटर कहां जाना, दूसरे वार्ड के आवाम कहां जाना है? यहाँ पे देखो वार्ड नंबर 12 20 लाख रुपए, वार्ड नंबर 21 25 लाख रुपए, वार्ड नंबर 18 एक्स मेयर अहमद साहब इनको 25 लाख रुपए, क्यों एक्स मेयर है बोल के दे रहे? वार्ड कारपोरेशन क्या मेयर चला रहे क्या अहमद चला रहे? मैं पूछना चाहता हूं, मेयर साहब को पूछना चाहता हूं, मेयर हुकूमत में आप बैठे, अहमद नहीं बैठा वहां पे, बैठ के इंसाफ दो, हर वार्ड में इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट करूंगा और इसके खिलाफ कानून के चौपट जाऊंगा बोल के मैं बोलना चाहता हूं। उन्होंने मेयर को बोले आपके वार्ड में 20 लाख डाले बोल के, मैं पूछा कहां 20, बोले 10 ही लाख डाले, नहीं नहीं मैंने किया और रियाज भट्ट को उन्होंने बैठ के किए बोल के मेयर साहब का कहना है। रियाज भट्ट को साहब का कहना है, मैं जब पूरा बजट लिस्ट करके मैं मेयर साहब के पास लेके गया, मेयर साहब जो है मेरे को 60 लाख रुपए डाले तो मैं इसको अप्रूवल देता हूं, नहीं तो नहीं दे सकता बोल के ये रियाज भट्ट को साहब बोले मेरे को, मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपको होना है तो मैं देता हूं। यहां भी ब्लैकमेल चल रहा, देख गुलबर्ग के आवाम का खिदमत करो, पानी को लेकर परेशान है, आज लेबर लोग वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका सैलरी नहीं मिल रहा है, क्या कर रहे कमिश्नर के नींद कर रहे, 8-8 दिन लीव पे जाते, लेबर लोग परेशान है, दिवाली ऐसा दिवाली और लोग दिवाली नहीं कर रहे लेबर लोग, पैसा नहीं सो, शर्म आना चाहिए इनको, इनके घर में भी है ना फैमिली है ना, इनको भी ईद करना रहता ना, आज लेबर लोगों का सैलरी नहीं पे किए जिनो, सिर्फ कैबिन में बैठ के वो प्लानिंग ये प्लानिंग, कहां से पैसा लूटना, किसको टैक्स माफ कराना, किसके पास पैसा लूटना, ये सिर्फ ये काम चल रहा है। कई कांग्रेस के लीडर डायरेक्शन दे रहे, वो लीडर को पूछना चाहता हूं क्या औकात है कांग्रेस कॉर्पोरेट फेयर के जीतने की, डायरेक्शन देके यहां पे मॉल खराब कर रहे गुलबर्गा महानगर पालिके को, महानगर पालिके के अंदर जो 55 कारपोरेटर है, 55 कारपोरेटर जो है गुलबर्ग के सिटीजन के चौकीदार है, आज मैं बोलना चाहता हूं 55 जो है गुलबर्ग के आवाम के खिदमत करने वाले हैं नो, यहां पे बीजेपी कांग्रेस जेडीएस नहीं आता, मैं पार्टी को लेके बात नहीं कर रहा हूं, ये पावर में बैठे आज चेयरमैन हो सकते हैं मेयर हो सकते हैं, आज आपको आवाम जिंदा के पावर में बिठाए सो है, आपको चैम्बर के अंदर बैठ के वहां पे सियासत करने के लिए नहीं बिठाए,
आज कई गरीब लोग वहां पे कॉर्पोरेशन में मैं रोज जाता हूं, कल की बात बोलता हूं, बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए कई मेरी माँ और बहनों वहां पे मुसलमान जो भी है हिंदू बंदे पूरे लोग आके वहां पे ठहरे, दो दो तीन तीन घंटे ठहरे, कोई एप्लीकेशन लेने के लिए वहां पे कोई नहीं है। मैं वहां पे ठहर के वो ऑफिसर को बुला के इमीडिएट एप्लीकेशन लेने का काम मैं चालू कराया हूं, कल मैं कमिश्नर से बात कर रहा हूं। ये मसलों पे कोई बात नहीं कर रहे यहाँ पे, कॉर्पोरेशन चैम्बर में बैठना, मेयर साहब के चैम्बर में बैठना, चेयरमैन के चैम्बरों में बैठना, गुजू 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 क्या चलता उनको ही मालूम। यहाँ के एमएलए क्या करे मैं पूछना चाहता हूं, गुलबर्गा महानगर पालिका का जो सिटीजन है आपको जो जीता है नॉर्थ के अंदर साउथ के अंदर, पहले यहाँ के खिदमत करो जी, संगानेडी में जाके क्या प्रचार करते तुम, गुलबर्गा नॉर्थ के आवाम को क्या दिया आप बोल के प्रूव करिए। आज तेलंगाना स्टेट में जाके वहां पे प्रचार क्यों, जरूरत नहीं आप, गुलबर्गा के आवाम परेशान है नॉर्थ के अंदर, मैं बोलना चाहता हूं। साउथ का एमएलए क्या कर रहा आलमराव पाटिल को मैं पूछना चाहता हूं, नींद कर रहे, जीबी मीटिंग वो मीटिंग सिर्फ आना जाना नहीं, आवाम का खिदमत करो आप, आवाम पावर दिए से पांच साल खिदमत करने का। आज डिप्टी मेयर शिवानंद पिस्ती साहब वो बेचारे को चुप गुड़िया बना के बिठाए, डिप्टी मेयर को देखो जी क्या फंड दिए, एक एक करोड़ रुपए मेयर लेते डिप्टी मेयर को क्या दिए, एसएफसी में तो एक रुपया नहीं दिए बेचारे को, 15 फाइनेंस में 25 लाख के 20 लाख डाले, इसे डिप्टी मेयर मेयर के बाद में सेकंड मेयर हुई है। अरे वो पोस्ट को तो इज्जत दो, तुम चेयरमैन 40 40 50 50 लाख डाल लेते तो डिप्टी मेयर आपसे बड़ा पोस्ट है ना। देखो आज प्रियंक साहब का जो बर्थडे है उसका मुबारकबाद देता हूं मैं पहले, अब प्रियंक साहब का नाम लेते ही आज उनका जन्मदिन है, मैं मुबारकबाद देता हूं उनको, आवाम का खिदमत करे, अल्लाह ताला आपको और ताकत दे सियासत में बढ़कर, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। कई इश्यूज में मैं कई बार सोशल मीडिया में मैं बोला हूं, इंचार्ज मिनिस्टर साहब इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए बोलो, अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं, ये आज भी मैं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत अगर इंचार्ज मिनिस्टर साहब को अगर गुलबर्ग के सिटीजन के ऊपर अगर मोहब्बत है आज इसके ऊपर थोड़ा एक्शन लीजिए आप, क्यों बोले तो गुलबर्ग के अंदर बहुत नाइंसाफी हो रहा है कॉर्पोरेशन के अंदर, हर टाइम मैं अकेला ही बोल रहा हूं, दूसरे कॉर्पोरेटर को मैं आज बोलना चाहता हूं, सामने आइए, डर के सियासत मत करो, खुद के बल के ऊपर सियासत करो, जब आवाम का खिदमत कर रहे खुद के बलबूते पे करो, डरेंगे तो सिर्फ खुदा को डरेंगे, वरना किसको कौन से लीडर को डरेंगे नहीं हम, ये सियासत करना कई कॉर्पोरेटर्स मजबूर होकर बैठे, आप सामने आओ मैं आपके साथ ठहरता हूं। देखो मैं मेरे वादा जब तक पावर में है, अगर वार्ड नंबर 16 को हर टाइम जो टारगेट किया जा रहा है, हर साल का हर टाइप का एक एक बजट होता है, मैं इनके खिलाफ सोशल मीडिया में जाऊंगा, इनके खिलाफ प्रेस मीट करूंगा और इनके खिलाफ जो है कानून का चौपट में चढ़ूंगा बोल के बोलना चाहता हूं। आपके वार्ड को टारगेट बनाने की क्या वजह हो सकती है, क्या ये जाति मुफात है या फिर एक राजनीति है? वार्ड नंबर 16 के आवाम के साथ में नाइंसाफी कर रहे बोल के बोल सकता हूं, आज वार्ड नंबर 16 के आवाम मेरे वालदा को जीता है, मैं उनका एहसान नहीं पेट सकता हूं, वो औकात मेरे में नहीं है उनका एहसान पेड़ने का, मैं रात दिन वो लोगों का फोन अटेंड करता हूं, उनको खिदमत करने के लिए मैं तड़पता हूं, आज वो खिदमत का तड़प जो है ये लोग जो है बदमाशगिरी करके, कृष्णा रेड्डी वार्ड नंबर 16 के अंदर बदनाम होना, वार्ड नंबर 16 में काम नहीं करना, आज मैं बोलना चाहता हूं चाहे कांग्रेस के लीडर हो दे चाहे बीजेपी के हो दे,
अगर मैं दिल पे लिया हूँ मेरे वार्ड नंबर 16 के आवाम का खिदमत करने के लिए, मैं खुद के पैसों से करूंगा। अल्लाह ताला मेरे को ताकत दिया है, मगर एक इंसाफ महानगर पालिका का जो इंसाफ है, जो बजट है, फंड है, वो हमारे आवाम तक पहुंचना चाहिए, आवाम को डेवलपमेंट होना चाहिए, उनके मैं बोलना चाहूँ। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.